हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। तो जो ये प्रमुख पंक्ति है, बताना है इस पंक्ति के रचनाकार का नाम क्या होगा। तो ये पंक्ति हो जाएगी मलुकदास की। तो जो मलुकदास है ये हमारे संत काव्यधारा से संबंधित हैं। जो संत काव्यधारा है भक्ति काल के अंतर्गत आती है। आपको पता होगा जो भक्ति काल है उसे चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहले तो उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होगा आपका निर्गुण काव्यधारा, एक होगा सगुण काव्यधारा। तो जो निर्गुण काव्यधारा है उसे भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होगा आपका संत काव्यधारा और दूसरा होगा आपका सूफी काव्यधारा। इसी तरह से जो सगुण काव्यधारा है उसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा और दूसरा होगा राम भक्ति काव्यधारा। इसी तरह से आपको याद रखनी है ये तथ्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़े से आपको टॉपिक्स बता देता हूँ और क्या क्या है। ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो जाएगा मलुकदास। तो जो मलुकदास है ये संत काव्यधारा से संबंधित हैं। सुंदरदास ये भी संत काव्यधारा से संबंधित हैं। जो नामदेव है ये भी संत काव्यधारा से संबंधित है, पर इन्होंने एक तरह से जो अपनी रचनाएं की हैं वो आपके सगुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित रचना भी की है और संत काव्यधारा से संबंधित रचना भी की है। और जो लालदास हैं ये भी संत काव्य के संत कवि के तौर पर जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें आपको एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ उसका नायक दिया गया है, तो इनका हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं मिलान। तो जो मृगावती है तो ये बताना है इसके नायक का कौन होगा, इसका नायक। तो इसके नायक हो जाएंगे राजकुमार, एक आचार। फिर इसके पश्चात सत्यवती कथा होगी, तो इसके जो नायक हो जाएंगे ऋतुपर्ण हो जाएंगे। फिर है मधुमालती, इसके नायक हो जाएंगे मनोहर। और फिर जो रसरत्न है अंत में, इसके नायक हो जाएंगे सोम। तो यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6, रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई कुलवंती सत सौ सती भई, पंक्ति किस रचना से संबंधित रहेगी। तो ये पंक्ति हो जाएगी मृगावती से। 6 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, इसमें पूछा गया है समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं, ये कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का। 7वें का सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा बी, विजय देव नारायण साही के द्वारा। तो जो विजय देव नारायण साही हैं इन्होंने जायसी के ऊपर बहुत ही अच्छी रिसर्च की है, काफ़ी शोध पत्र भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं जायसी के ऊपर। अगर कभी आपको विजय देव नारायण साही को पढ़ने का समय मिलता है तो अवश्य इन्हें पढ़िएगा, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने भी इनके ऊपर काम किया है। आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, बहुत ही सुंदर इतिहास ग्रंथ है इनका। अगला प्रश्न है 9, पुष्टिमार का जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लो, ये जो पंक्ति है सूरदास की मृत्यु पर किसने कही थी। तो ये कही थी विट्ठल नाथ ने। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पुष्टिमार को जहाज जात हो सो जाको कछु लेना हो सो लो, ये पंक्ति किस आचार्य की मृत्यु पर कही गई थी, सूरदास की मृत्यु पर कही गई थी। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर पुष्टि मार्ग लिखा है, जो पुष्टि मार्ग है ये सूरदास से संबंधित है, ठीक है। फिर ये पंक्ति कही है विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ को आपको जानते ही होंगे, जो विट्ठलनाथ थे ये आपके वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र थे, ठीक है, इसका भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है 10, इसमें पूछा गया है सुर के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है, ये कथन किसका होगा। तो ये कथन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। 10 का सही विकल्प यहाँ पर स हो जाएगा। आपने जितने भी कथन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सभी को नोट करके रखना है, क्योंकि इस तरह के कथन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है 11, नंददास द्वारा रचित एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है। तो ये कोश ग्रंथ हो जाएगा विकल्प भी अनेकार्थ मंजरी। इसके पश्चात आपको कई बार आपने परीक्षा में भी देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि जो नंददास को जड़िया कवि भी कहा है, ठीक है ना,
सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, निम्न में से किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे नंददास। जो नंददास थे ये जो पुष्टि मार्ग, ये आप अष्ट सखा कहो, उसमें सबसे कनिष्ठ थे, कनिष्ठ थे सबसे छोटे थे, ठीक है ना, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस कवि को संगीत शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था एवं जिनके पास तानसेन भी गायन कला सीखने के लिए आते थे? तो किसके पास आते थे गायन कला सीखने? तानसेन। तो तानसेन आते थे गोविंद स्वामी के पास। तो जो गोविंद स्वामी है ये आपके अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है 13, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम राधा बल्लभ को हरिदे ध्यान मुख नाम, पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ये पंक्ति हो जाएगी हित हरिवंश की हो जाएगी। 13 का सही विकल्प यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14, कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि कौन है? तो जो कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना की है तो ये ध्रुवदास के द्वारा की गई है। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो ध्रुवदास है ये किस काव्यधारा से संबंधित है? तो जो ध्रुवदास होंगे ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित रहे हैं। इसके पश्चात जो कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि के तौर पर जाने जाते हैं तो ये सूरदास हो जाएंगे। सूरदास बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने कृष्ण भगवान के चरित्र और वात्सल्य वर्णन किया है। कई कई बार तो ये प्रश्न भी बनता है कि जो वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है अष्टछाप के कवियों में से? तो ये सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है? तो जो निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है ये हरिदासी या सखी संप्रदाय में की जाती है। इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो सखी संप्रदाय का दूसरा क्या नाम है? तो सखी संप्रदाय का दूसरा नाम हरिदासी संप्रदाय है। अगला प्रश्न है 16, कुंज केली मीठी है बिरह भक्ति सीठी ज्यों आग व्यास बिलास राग रस पीबत मिटे हरिदे की दाह, पंक्तियों की रचयिता कौन होंगे? तो जो ये प्रसिद्ध पंक्ति है इनके रचनाकार हो जाएंगे हरिराम व्यास। विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17, चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है? तो ये कहलाता है अचिंत्य भेदाभेद। यहां पर जो 17 का सही विकल्प ए हो जाएगा। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके प्रवर्तक का नाम बताइए। तो ये थे चैतन्य महाप्रभु और ये बंगाल में फला फूला था, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18, धूरी भले अति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोरी पद के रचयिता का नाम बताइए। तो ये पद है इसके रचयिता हो जाएंगे रस खान। तो जो रस खान थे इनका भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 18 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रस खान कृत किस रचना में राधा कृष्ण को माली मालिन के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रेम वाटिका। महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, जो प्रेम वाटिका रचना है इसमें राधा कृष्ण को माली और मालिन के रूप में वर्णित किया गया है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। बाकी जो अष्टयाम है सुजान रस खान है दान लीला है और ये चारों ही रचनाएं रस खान की हो जाएंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? तो जो भगवान श्री कृष्ण थे इनके सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है निम्बार्काचार्य को। तो 20 का यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कुसूल, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर बताना है जो ये पंक्ति दी गई है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? विकल्प में है सोठा दोहा रोला या हरिगीति का। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, जो ये पंक्ति है ये दोहा छंद में प्रयुक्त की गई है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ये पंक्ति है किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ यहाँ पर जो हरिगीति का छंद है ये हरिगीति का छंद से संबंधित कौन सा कवि रहा है उसके बारे में अगर आपको पता ना हो तो बता देता हूँ। जो मैथिली शरण गुप्त थे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि, वो हरिगीति का छंद के बादशाह माने जाते थे।
इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो ये पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु जी की, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 22, इसमें पूछा गया है सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे। विकल्प में है विष्णु स्वामी, आचार्य बल्लभ, राघवानंद या रामानुजाचार्य। तो सही जवाब यहाँ पर 22 का राघवानंद हो जाएंगे। जो राघवानंद थे इनकी ये रचना मानी जाती है सिद्धांत पंचमात्रा। बाकी जो बल्वाचार्य थे इनके द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। जो पुष्टि मार्ग था इसी से संबंधित माना जाता है आपका अष्टछाप। अष्टछाप में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं उनके नाम आप अवश्य बताइएगा। आगे हम जाते हैं विकल्प डी की ओर। तो जो रामानुजाचार्य थे इनके द्वारा श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और परीक्षा में इसे पूछा जाता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23, इसमें पूछा गया है अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में, कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में प्रयुक्त किया गया है। विकल्प में होंगे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनियुक्ति या अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर जो 23 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, अनियुक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ पर जो विकल्प में होंगे अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या अंतराल। तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर झूठा सच। जो झूठा सच उपन्यास है यह पहले तो आपको याद रखना है किसका ये उपन्यास हो जाएगा, यशपाल जी का उपन्यास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात आपको याद रखना है ये देश विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है और इसका जो रचना काल है 1958 के आसपास माना जाता है, इसका भी आपने अवश्य ध्यान रखना है। और जो अपने अपने अजनबी है इस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम आपने बताना है मुझे, इसका क्या उत्तर होगा। अगला प्रश्न 25, इसमें पूछा गया है सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है। विकल्प में है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्बादल या आद्रा। तो यहाँ पर जो 25 का सही विकल्प हो जाएगा मौर्य विजय, इनका प्रथम काव्य हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त का। आपके लिए यहाँ से एक और प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है ये किस काल से संबंधित रहे हैं। 25 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 26, इसमें पूछा गया है मैं तो सरल भाषा के लेखक को सबसे बड़ा लेखक मानता हूँ, कथन किसका होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या बालमुकुंद गुप्त। तो 26 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये पंक्ति हो जाएगी। अगर आपने द्विवेदी जी को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको अवश्य याद होगा कि जो द्विवेदी जी थे ये खड़ी बोली पर अधिक महत्व देते थे, इसके पश्चात ये सीधे सीधे किसी भी चीज़ को सीधे सीधे लिखने के लिए कवियों को प्रोत्साहित करते थे, ना कि टेढ़ा टेढ़ा या कुछ अलग अलग बात लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, ये कहते थे कि जो भी लिखना है सीधे सीधे लिखिए, ठीक है। तो ये पंक्ति हो जाएगी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके पश्चात जो द्विवेदी युग है इन्हीं के नाम से पड़ा है। कई बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण द्विवेदी युग का नाम पड़ा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण, ये पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। और जो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है खड़ी बोली को विकसित और मानकीकरण करने का, इसके पश्चात इनके द्वारा सरस्वती पत्रिका का भी संपादकत्व संभाला गया था। और कब से कब तक संभाला गया था, 1903 से लेकर 1918 तक, इसको भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपको यहाँ से ये छोड़ दूंगा, आपने बताना है कि जो प्रथम बार सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया था, वो वर्ष आपने बताना है। ये बता देता हूँ श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया था, पर आपको ये तिथि बतानी है ये तिथि कब की होगी। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो सबसे मान्यता प्राप्त इतिहास ग्रंथ है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उपन्यास को संसारी वार्ता किसने कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये वाला, उपन्यास को जो संसारी वार्ता किसने कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला भगवान दीन, श्रीनिवास दास या राधा कृष्ण दास।
तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा श्रीनिवास दास के द्वारा उपन्यास को संसारी बाता कहा गया है। अगला प्रश्न है 28, संस्कृत वृत्तों में लिखा गया काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प में होंगे प्रिय प्रवास, विष्णुप्रिया, जय भारत या आत्मोत्सर्ग। तो 28 का सही विकल्प होगा विकल्प ए प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये संस्कृत वृत्तों पे लिखा गया है, अर्थात संस्कृत वृत्त से अभिप्राय यहाँ पर है। इन्होंने जो इसमें जो पंक्तियाँ डाली हैं अधिकतर ये संस्कृत निष्ठ हिंदी है, ठीक है, संस्कृत निष्ठ हिंदी कह सकते हैं हम इसमें, संस्कृत की इसमें प्रधानता है। और यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो बता देता हूँ प्रिय प्रवास रचना हो जाएगी हरि औध जी की, और इसका जो प्रकाशन वर्ष कब का है 1914 के आसपास ही इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो 28 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य किसका है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो इतिहास दोबारा लिखो क्या है, यह गीति काव्य हो जाएगा। और किसका होगा ये गीति काव्य? रविंद्र भ्रमर, रामनाथ अवस्थी, नचिकेता या रमेश रंजक। तो 30 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, रमेश रंजक का हो जाएगा इतिहास दोबारा लिखो गीति काव्य। अगला प्रश्न है 31, इसमें पूछा गया है आपसे लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम हो। धूमिल की इन पंक्तियों में लोहार का क्या तात्पर्य है, लोहार का क्या प्रतीक है? शोषक, शोषित, शोषण की पीड़ा या निर्माता? तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा शोषित, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम हो, धूमिल की इन पंक्तियों में लोहार का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो लोहार होगा ये शोषित नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाता है, शोषक हो जाएगा लोहार, लोहार शोषक हो जाएगा। और जो घोड़ा होगा यहाँ पर तो ये शोषित हो जाएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि जो लोहार है एक तरह से शोषक वर्ग की तरह है, और जो घोड़ा है वो शोषित है, जैसे घोड़े का शोषण होता है ना, उसी से ये तात्पर्य है। यहाँ पर जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। उसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो ये पंक्ति किसकी है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम हो। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ धूमिल जी की हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 32, बंदर सभा किस शैली में लिखा गया काव्य है? विकल्प में होंगे स्यापा, प्यार, पेराडी या गाली। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पेराडी। तो जो पेराडी है ये शैली बंदर सभा काव्य में प्रयुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास की विशेषता नहीं है, अभी हमने पीछे इसकी डिस्कस की थी, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी इसकी विशेषता नहीं होगी। संस्कृत के वर्णवृत्त प्रयोग किए गए हैं, कोमलकांत पदावली प्रयोग में की गई है, खंड काव्य है या भाव व्यंजनात्मक काव्य है। तो यहाँ पर जो 33 का सही विकल्प हो जाएगा सी, जो प्रिय प्रवास है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पूर्णतः गलत हो जाएगा कि ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य हो जाएगा, खंड काव्य नहीं। बाकी जो संस्कृत के वर्णवृत्त इसमें मिलते हैं बिल्कुल सही, हमने पीछे डिस्कस किया था, कोमलकांत पदावली इसमें है ये भी सही हो जाएगा, और भाव व्यंजना इसमें मिलती है तो ये भी सही हो जाएगा, यह महाकाव्य है खंडकाव्य नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 34, इसमें पूछा गया है धरती हिलकर, यहाँ होगा धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, ये प्रमुख पंक्तियाँ किसकी हैं? विकल्प में है शंकर, मैथिली शरणगुप्त, रामनाथ कोविंद या हरि औध। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी मैथिली शरणगुप्त, ये पंक्तियाँ हो जाएंगी मैथिली शरणगुप्त की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी मैथिली शरणगुप्त। यहाँ से आपको याद रखना है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरणगुप्त की ही होंगी, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला और आज का प्रश्न अंतिम है ये, हरि औध कृत प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हरि औध ये प्रिय प्रवास है किसकी रचना है, हरि औध की होगी। तो इसमें पूछा गया है सर्ग कितने हैं, विकल्प
17, 15, 18 या 21। तो जो हरियोत्कृत प्रिय प्रवासी, इसमें 17 सर्गों का प्रयोग किया गया है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने अधिकतर प्रश्न थे प्रिय प्रवास से डिस्कस किए संबंधित जितने भी थे ना ये, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको प्रिय प्रवास से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे अवश्य ठीक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, अगर कोई भी इसे इंटरेस्टेड है तो आप वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। तो ये है नंबर व्हाट्सएप, आप अवश्य करना अगर इंटरेस्टेड हो तो। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा था? तो जो शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है मिश्र बंधु विनोद में। जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 3, इसमें पूछा गया है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया है? तो ये किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में जो हिंदी साहित्य के इतिहास को चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के तौर पर निर्धारित किया है। आगे है 4, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता कौन है? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, इसके रचयिता हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5, इसमें पूछा गया है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं, ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन भी हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं। कथन महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली थी? तो ये ली थी शिव सिंह सरोज से। ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो शिव सिंह सरोज है, ये हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इसके रचनाकार का नाम है शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है 7, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिव सिंह सरोज को। अगला प्रश्न है, इस्तवार द लाल लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं, इनमें हिंदी कवियों की संख्या है 72। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जो इस्तवार द लाल लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी है, इसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएंगी 72 और टोटल कवि हो जाएंगे इसमें 738। और इस्तवार द लाल लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका गारसा द तासी का। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माना जाता है गारसा द तासी को, और इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द लाल लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी, और ये किस भाषा में लिखा गया है? और ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 10, कालिदास हजारा रचित है, तो बताना है कालिदास हजारा किसके द्वारा रचित है? तो ये कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है, और इसे गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 11, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, और स्वयंभू का समय पूछा जाता है, स्वयंभू का समय क्या है? तो यह 693 ईस्वी। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, स्वयंभू किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित थे। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्न से, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इनके द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल तक ही सीमित रखा गया है, इसके आगे इन्होंने इसे नहीं बढ़ाया है। आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। अगला प्रश्न है 12, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो बताना है किसने माना है? तो सरहप्पा को माना है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा।
सरपा सिद्ध संप्रदाय से संबंधित कवि रहे हैं और जो दोहा कोश है ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 13, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को कितने भागों में संकलित किया था? तो ये 10 भागों में संकलित इनके द्वारा किया गया था। इसके पश्चात है 14, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है तो बताना है किसके द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, तो ये अज्ञेय के द्वारा रचित है। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है, तो विकल्प में अगर आपके समक्ष डॉक्टर नगेंद्र दें तो आप डॉक्टर नगेंद्र के ऊपर टिक करिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं गया है पर संपादित किया गया है, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 15, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है तो ये होगी प्रभाकर माचवे द्वारा। आगे है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है 17, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो जो पुष्प या पुंड है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर शिवसिंह सेंगर के द्वारा, और इनकी जो रचना है कौन सी है? शिवसिंह सरोज। ये हिंदी भाषा में लिखी गई पहली इतिहास ग्रंथ है। और जो पुष्प कवि का समय क्या है? 613 ईस्वी। अगला प्रश्न है 18, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि दो कवियों के द्वारा या दो आलोचकों के द्वारा माना गया है। एक तो होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेटी और दूसरे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है और राजा मुंज का समय है 993 ईस्वी। अगला प्रश्न है 19, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अब्दुल रहमान का समय है 12वीं शती। अगला प्रश्न है 20, आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को चारणकाल नाम दिया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है 21, शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा, और जो शालीभद्र सूरी हैं इनका समय है 1184 ईस्वी। अगला प्रश्न है 22, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। आगे है, वीरगाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। आगे तथ्य है, वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए इसे वीरगाथा काल और आदिकाल नाम दिया था, इसका ध्यान रखना है। आगे है, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? तो आदिकाल को शून्यकाल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे है, गार्सा दत्तासी ने इस्तवार द ला लित्रत्व एंदू या हिंदुस्तानी को फ्रेंच भाषा में लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके पश्चात है 26, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या है? तो ये शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके पश्चात है 27, काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास अपने इतिहास में ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। आगे है 28, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके पश्चात है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला है, हिंदी काव्यधारा की रचना है, जो हिंदी काव्यधारा की रचना की गई है तो ये राहुल सांकृतियन के द्वारा की गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है 31, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 2 भागों में विभाजित है ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत।
आपको याद रखना है कि किसका रचना यह ग्रंथ है, तो ये हो जाएगी विश्वनाथ प्रसाद की रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को अंधकार नाम दिया था डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये सब सर्वाधिक विवादित है, इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने इसे नाम दिया था वीरगाथा काल। इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे नाम दिया था बीज भवन काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसे आदिकाल नाम दिया गया था, और जो कमल कुलश्रेष्ठ हैं इन्होंने इसे अंधकाल काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने किया था? तो आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो जो राहुल सांकृत्यायन थे, कई बार पूछा जाता है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये सरहप्पा को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना था। इसके पश्चात प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, और जो वीरगाथा काल कहा गया था तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है 35, मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो ये जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसमें खंड है 4। अगला प्रश्न है 36, किसे छप्पे का राजा कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा, जो छप्पे का राजा कहा जाता है चंद्रप्रदाई को, और जो चंद्रप्रदाई है इन्होंने पृथ्वीराज रासु नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 37, देवसेन द्वारा रचित श्राप का चार रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है, और इसमें 250 दोहे हैं, और जो ग्रंथ है ये, इसमें किस धर्म का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर जो धर्म होगा तो ये होगा श्रावक का, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दो तीन प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो पूछा जाएगा कि जो श्रावकाचार है किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। इसके पश्चात इसका समय क्या है? 933 ईस्वी है। और अगला प्रश्न है, इसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहे हैं। इसके पश्चात है, श्रावकाचार को हिंदी या हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है 38, बिसलदेव रासो पूर्णतः नहीं है, यह अधूरी रचना प्राप्त है। प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना पूर्णतः प्राप्त नहीं है, अधूरी ही प्राप्त है? तो ये हो जाएगी बिसलदेव रासो। आगे है 39, रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ मानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, अधिकतर विकल्प में रामचंद्र शुक्ल दिए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है? तो ये होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 40, बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? तो जो बिसलदेव रासो की नायिका होगी ये राजमती होगी। आगे है 41, आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। इसके पश्चात है, परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि जो परमाल रासो है इसका प्रधान रस कौन सा है? तो परमाल रासो का प्रधान रस वीर रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर और इसके सहयोगी रस श्रृंगार है। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे जो अधिकतर रासो ग्रंथ है ये वीर रस प्रधान होंगे, सहायता करने के लिए इसमें श्रृंगार इत्यादि रस भी जोड़े गए हैं। अगला पॉइंट है, आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, जो आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रहेगी या दस रहेगा तो ये वीरगाथात्मक रहेगा। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? जो चंद्रप्रदाई थी इन्होंने इसे आधा छोड़ दिया था, और फिर इसकी आगे की रचना किसी अन्य विद्वान के द्वारा की गई है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा विद्वान है। अगला प्रश्न है 46, तो इसमें पूछा गया है, डॉक्टर बुल्लर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी।
तो ये भी बनता है प्रश्न। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, तो ये लगा दी थी आपके डॉक्टर बुलर के द्वारा, और ये भी इसे जाली ग्रंथ मानते हैं। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है। अगला है 48, अंतस साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संध्या भाषा या संध्या भाषा। तो जो संध्या भाषा है इसे सिद्ध कवियों के द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया गया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 49, सरहप्पा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी माना जाता है। पूछा जा सकता है कि जो सहज ज्ञान का संबंध किस संप्रदाय से रहा था, तो सिद्ध संप्रदाय से सहज ज्ञान का संबंध रहा था और इसके प्रवर्तक थे सरहप्पा। आगे है 50, धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नीतिज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना था। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न तो ये बनता है कि जो भविष्यत कहा किसकी रचना होगी, धनपाल की रचना होगी ये। अगला है 51, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूरीकृत कुबल्यमाला कहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि जो कुबल्यमाला कहा है किसकी रचना होगी, उद्योतन सूरी की होगी और ये गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध होता है। आगे है बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य है, तो ये भी पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो ये मुक्तक काव्य है। अगला है 53, राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 57, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये कथन किसका होगा, तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है 58, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है, तो जो भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ है इसके रचनाकार हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 59, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के ग्रंथों में लिखा गया है, तो जो पृथ्वीराज रासो है ये 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है इसमें समय या सर्गों की कितनी संख्या है, तो 69 है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे जिंदत सूरी। पृथ्वीराज रासो किस कोटि की रचना है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो पृथ्वीराज रासो है किसकी रचना है, तो ये चंद्रबरदाई की रचना हो जाएगी और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, और जो चंद्रबरदाई है इसे हिंदी के प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनको अपने तथ्यों को ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो प्रश्न पूछा गया है पृथ्वीराज रासो किस कोटि की रचना है, तो ये वीरगाथा महाकाव्य कोटि की रचना मानी जाती है और इसमें 68 छंद है और 69 इसमें सर्ग या समय है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक होंगे राम कुमार वर्मा। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इन्होंने अपने इस इतिहास को भक्ति काल तक ही सीमित रखा है, इसके आगे इन्होंने इसे नहीं बढ़ाया है। कई बार प्रश्न बनता है कि वो कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे भक्ति काल तक ही सीमित रखा गया है, तो वो हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो यहाँ से कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, उसका नाम आपने मुझे बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और जो ये पद्धति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है, तो ये लिखा था भृंगभृंगी संवाद रूप में, और इसे भृंगभृंगी संवाद रूप सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 65, राठौड़ा रिख्यात के रचयिता कौन है, तो राठौड़ा रिख्यात के रचयिता हो जाएंगे दयालदास। अगला प्रश्न है 66, नाथों में रसायनी कौन माने जाते थे, तो जो नाथों में रसायनी माने जाते हैं ये नागार्जुन माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो निम्न में से कौन सा संप्रदाय ऐसा रहा है जिसमें अधिकतर विद्वान रसायनी थे, तो ये नाथ संप्रदाय हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9। अगला प्रश्न है यहाँ पर 67,
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को भी आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है 68, काफिर बोध, पंचाग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र व रस राह ग्रंथ के रचयिता कौन होंगे? तो ये सभी जो ग्रंथ हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होगा काफिर बोध, तो इनके रचनाकार हो जाएंगे गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कैयमास बध किस रचना का खंड है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का। आगे है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला है मनोकला शशिभान कला 1600 बनी है, पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? चंद्रबरदाई। आगे है राउलवेल श्रृंगार परख चंपू काव्य के रचयिता कौन होंगे? रोड़ा कवि हो जाएंगे। अगला है 73, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। इसके पश्चात है स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा? पुष्पदंत के द्वारा कहा गया था। आगे है आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल किसने कहा? तो ये रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है 76, बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्धगान और दुहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया था पंडित हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। अगला प्रश्न है 77, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? तो जो पुरुष परीक्षा होगी ये संस्कृत में रचित विद्यापति की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 78, रिठणेमी चरियु के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो ये रचना है रिठणेमी चरियु, तो ये हो जाएगी स्वयंभू की। ठीक है, कई बार ये रचना पूछी जाती है, अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं इसका नाम सुनकर कि ये किसकी रचना होगी, पर ये स्वयंभू की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा बताइए। तो बताना है जो कीर्तिलता है किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवध भाषा में लिखी गई है। और ये प्रश्न भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो कीर्तिलता भाषा है, कीर्तिलता रचना है, किसकी रचना होगी। अगला प्रश्न है 80, भू परिक्रमा के रचयिता का नाम बताइए। तो जो भू परिक्रमा रचना है तो ये विद्यापति की रचना हो जाएगी। तस्कीरा ए शुराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इसका, तो ये होगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है 82, चरियापद के रचयिता का नाम बताइए। तो जो चरियापद है ये शबरपा के द्वारा लिखा गया है, और जो शबरपा है इनका संबंध है सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय से। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सरहप्पा है इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो सरहप्पा के द्वारा लिखा गया है दोहा कोश। और कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो सिद्ध है इनकी कितनी संख्या है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। इसी प्रकार से कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9। अगला प्रश्न है 83, आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है इनका जन्म हुआ था एटा में। ठीक है, इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न तोता ए हिंद का ही है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंद का तोता या तोता ए हिंद। आगे है 85, बसंत विलास में चित्रण हुआ है। तो बताना है बसंत विलास में किसका चित्रण हुआ है? बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण बसंत विलास नामक काव्य कृति में हुआ है। अगला प्रश्न है 86, बसंत विलास कैसा काव्य है? तो बसंत विलास एक फागु काव्य है। अगला प्रश्न है 87, रोड़ाकृत राउरबेली में किसका आरंभ माना जाता है? प्रश्न क्या है? रोड़ाकृत राउरबेली या राउलबेल से किसका आरंभ माना जाता है? तो इससे माना जाता है नक्षिक बंडन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ। एक प्रकार से आप इसे श्रृंगारिक रचना कह सकते हो जिसमें नक्षिक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जो सीधा सा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो राउलबेल या राउलबेली किसकी रचना है? तो ये रोड़ा कवि की रचना मानी जाएगी। अगला प्रश्न है 88, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ाकृत राउलबेली है। तो ये प्रश्न सीधा से बनता है कि जो ये राउलबेली है किस प्रकार की रचना है? ये चंपू
काव्य है, चंपू रचना है, जिसमें गद्य पद्य मिश्रित होते हैं। आगे है 89, रावल बेली में कौन सी बोली प्रधान है? तो जो रावल बेली है इसमें आपके सात बोलियों को महत्व दिया गया है। जो सात बोलियों के शब्द हैं इसमें प्रमुखता मिलती है, पर जो सबसे प्रधान बोली है वो है राजस्थानी। ठीक है, तो कई बार एनटी नेट की परीक्षा में इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें सात बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो वो होगा आपका रावल बेल। अगला प्रश्न है 90, विद्यापति की लोक प्रसिद्ध होने का क्या आधार है? तो जो विद्यापति थे वो किस रचना के कारण लोक प्रसिद्ध हुए थे? तो वो हुए थे अपनी पदावली के कारण। वैसे तो इन्होंने बहुत सी रचना लिखी है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पर जो पदावली है इसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पदावली है इसकी भाषा क्या है, तो ये मैथिली भाषा होगी इसकी। देखिए आगे प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ये मैथिली है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता को क्या कहा है? तो ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। तो विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता को कहा है कहानी। अगला प्रश्न है 93, विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? तो जो विद्यापति थे मूलतः श्रृंगारी कवि थे और ये शिव भगवान को मानने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है 94, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। अगर आधुनिक समय में स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि माना जाए तो प्रश्न बनता है किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपके श्रीधर पाठक को, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 95, हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है 96, ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? तो सबसे पहले ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना की थी अमीर खुसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है 97, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? तो ये सरल सा प्रश्न है, तो इसे माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए आपको कई प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। तो पहला तो प्रश्न ये होगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके पश्चात यहाँ पर ये प्रश्न भी बनेगा कि जो अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके पश्चात जो प्रश्न बनेगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को कहाँ तक लिखा है? तो ये लिखा है भक्ति काल तक, इसका भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है 98, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह सिपहार में किसके बारे में वर्णन किया है? तो वर्णन किया है भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से। ठीक है, पूछा जाता है कि जो नूह सिपहार किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 99, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है? तो ये माना जाता है जोइंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। किससे? जोइंदुकृत परमात्म प्रकाश और योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। यहाँ से देखिए दो प्रश्न और बनेंगे, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जोइंदु की रचना हो जाएगी। योगसार किसकी रचना है? तो ये जोइंदु की रचना हो जाएगी। ये भी प्रश्न बनता है कि जो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ परमात्म प्रकाश और योगसार से हुआ है। अगला प्रश्न है 100, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारू रा दोहा के दोहों को किसके बीच की कड़ी माना है? तो ये माना है हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी। एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे,